Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Reedy College, University of Allahabad. And this time I am going to discuss with you a very important topic, that is paradigm in research. How it has been converted, shifted from positivism to post-positivism to interpretivism. So this video is all about all these isms in research methodology. Okay, so let's start. देखिए हमारी आपसे बात हुई थी रिसर्च पे हुई थी, फिर हमारी आपसे बात अप्रोचेस टू रिसर्च पे हुई थी और वहाँ पर ये निकल के आया था कि अगर हमको नॉलेज क्लेम पता चल जाए, हमें उसे उसका पैराडाइम पता चल जाए तो हम रिसर्च अप्रोच तय कर सकते हैं कि वो क्वांटिटेटिव होगी कि क्वालिटेटिव होगी। वहाँ हमने पोस्ट पॉजिटिविज्म और इंटरप्रिटिविज्म की इन शॉर्ट बात की थी आपसे। यहाँ पर हम ये क्रम देखेंगे कि कैसे ये जो शिफ्ट है ये पॉजिटिविज्म से इंटरप्रिटिविज्म की तरफ चला है। ठीक है, तो शुरुआत हमें पैराडाइम से ही करनी होगी कि पैराडाइम क्या है। तो पैराडाइम मींस अ सेट ऑफ ओवर आर्चिंग एंड इंटरकनेक्टेड अजम्पशंस अबाउट द नेचर ऑफ रियलिटी। हमें पता है मोटा मोटा हम लोग पैराडाइम को क्या समझते हैं, मतलब जो क्रम चल रहा है, जो विचारधारा है, जिस हिसाब से हम चल रहे हैं, जिसको हम सही मानते हैं, है ना। तो एनी पैराडाइम इज बिल्ट ऑन सेवरल अजम्पशंस दैट डील विद द नेचर ऑफ रियलिटी, यानी कि यथार्थ की जो प्रकृति है उससे डील करने वाले सेवरल अजम्पशंस पैराडाइम से बनते हैं या पैराडाइम उनसे उस पर निर्भर करता है। पैराडाइम अ पैराडाइम प्रोवाइड्स द लार्जेस्ट फ्रेमवर्क विद इन विच रिसर्च टेक्स प्लेस। अब अनुसंधान हमको कैसे करना है, ये पूरा फ्रेमवर्क हमको पैराडाइम ही बताता है कि आप कौन सा मेथडोलॉजी लेंगे, क्या मेथड्स आप लेंगे डेटा कलेक्शन के। नॉट अ पैराडाइम शिफ्ट, अच्छा ये पैराडाइम शिफ्ट का शब्द इतना ज़्यादा प्रचलित है शिक्षा के क्षेत्र में, ये हम लोग हर जगह इसको इस्तेमाल करते हैं। तो कहाँ से आया ये शब्द, ए पैराडाइम शिफ्ट इज द टर्म फर्स्ट यूज बाय थॉमस कुन इन हिज फेमस बुक 1962 में इन्होंने ये बुक लिखी है। अच्छा ये दो बार बुक 1962 बुक ऐसे हो गया। द स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रेवोल्यूशंस, यानी 1962, देखिए कितने साल हो गए हैं, है ना, में इन्होंने किताब लिखी स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रेवोल्यूशन और इन्होंने उसमें सबसे पहले पैराडाइम शिफ्ट का इस्तेमाल किया और तब से ये शब्द इतना चला आ रहा है। और इन्होंने किस संदर्भ में इस्तेमाल किया पैराडाइम शिफ्ट का, टू डिस्क्राइब द प्रोसेस एंड रिजल्ट ऑफ ए चेंज इन बेसिक अजम्पशंस विद इन द रूलिंग थ्योरी ऑफ साइंस। मतलब उस वक्त विज्ञान का बोलबाला था तो उन्होंने कहा जो रूलिंग थ्योरी है, जो रूल कर रही है, जो राज्य कर रही है, विज्ञान का सिद्धांत जो राज्य कर रहा है, उसके बेसिक अजम्पशंस में कुछ चेंज की बात इन्होंने की और पैराडाइम शिफ्ट का नाम दिया। When enough significant anomalies have accrued against a current paradigm, the scientific discipline is thrown into a state of crisis, according to Kuhn. Kuhn ने कहा कि एक करेंट पैराडाइम के अगेंस्ट जब बहुत सारी एनामलीज इकट्ठी हो जाती है, मतलब ये भी गलत हो रहा है, ये भी गलत हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें वो बता नहीं पा रहा है, तो साइंटिफिक डिसिप्लिन जो था वो स्टेट ऑफ क्राइसिस में चला गया, मतलब वो संकट की स्थिति में चला गया। कुन के हिसाब से ड्यूरिंग दिस क्राइसिस न्यू आइडियाज परहैप्स वंस प्रीवियसली डिस्कार्डेड आर ट्राइड। तो इस क्राइसिस की अवस्था में क्या हुआ कि नए विचारों को अपनाने की कोशिश की गई जिनको शायद पहले डिस्कार्ड कर दिया गया था। इवेंचुअली अ न्यू पैराडाइम इज फॉर्म, तो इस प्रक्रिया में क्या हुआ, एक नया पैराडाइम उभरता है विच गेन्स इट्स न्यू फॉलोअर्स एंड एन इंटेलेक्चुअल बैटल टेक्स प्लेस बिटवीन द फॉलोअर्स ऑफ द न्यू पैराडाइम एंड द होल्ड आउट्स ऑफ द ओल्ड पैराडाइम। तो जब न्यू पैराडाइम उभरता है तो उसके साथ साथ उसके समर्थक भी बनते हैं, तो एक बौद्धिक युद्ध होता है कि इसके बीच में वो जो नया पैराडाइम आया है उसके फॉलोअर्स के बीच में और वो जो लोग अभी भी पुराने पैराडाइम को सही मान रहे हैं उनके बीच में। आफ्टर अ गिवन डिसिप्लिन हैज चेंज्ड फ्रॉम वन पैराडाइम टू अनदर दिस इज कॉल्ड अ साइंटिफिक रिवोल्यूशन और ए पैराडाइम शिफ्ट। और वो कह रहे हैं कि जब एक डिसिप्लिन चेंज करता है अपना पैराडाइम, एक पैराडाइम से दूसरे पैराडाइम में चेंज आता है, तो इसी को वैज्ञानिक क्रांति या पैराडाइम शिफ्ट कहा जाता है। ठीक है, आसान है। तो हम शुरू करते हैं पॉजिटिविज्म से, जिस पर कि हमारा नेचुरल साइंस बेस्ड है। तो फ्रेंच फिलोसोफर ऑगस्ट कॉम्टे गिव्स एन ओवरव्यू ऑफ हिज सोशल फिलोसफी नोन एज पॉजिटिविज्म। तो अगर ऑगस्ट कॉम्टे जो सोशियोलॉजी का टर्म दे रहे हैं, जो समाज शास्त्र का टर्म दे रहे हैं, समाज विज्ञान का, उन्होंने पॉजिटिविज्म का शब्द दिया सबसे पहले, ये टर्म दिया और अपनी सामाजिक दर्शन को सिद्ध करने के लिए ही दिया। एंड वन ऑफ द फर्स्ट टू आर्ग्यू फॉर इट एज अ साइंस, और वो उस वक्त कह रहे हैं कि आप सोशियोलॉजी को साइंस मानिए। ऐसे भी समझ सकते हैं आप कि उस वक्त चूंकि साइंस का इतना बोलबाला था तो जो डिसिप्लिन उभर रहा था वो चाह रहा था हम भी साइंस हैं, हम भी साइंस हैं, है ना, क्योंकि जैसे मतलब जो भी चीज प्रचलन में होती है, जो 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 जिसका प्रभुत्व होता है, सब वैसे ही बनना चाहते हैं ना। तो पॉजिटिविज्म क्या है, पॉजिटिविज्म इज एन अप्रोच दैट व्यूज द वर्ल्ड एज आउट देयर वेटिंग टू बी ऑब्जर्व्ड एंड एनालाइज्ड बाय द रिसर्चर। पॉजिटिविज्म एक ऐसा अप्रोच है जो मानता है कि संसार है, मतलब
वर्ल्ड एक है, कहीं रखा है, कहीं है, वो इंतजार कर रहा है कि आप उसका प्रेक्षण कीजिए और उस पर विश्लेषण कीजिए, अनुसंधानकर्ता से ये उम्मीद है. इट इज रिलेटेड टू द साइंटिफिक व्यू ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड एज बीइंग वन दैट ऑपरेट्स वाया लॉज दैट कैन बी रिवील्ड बाय केयरफुल स्टडी एंड ऑब्जर्वेशन. और ये चूंकि साइंटिफिक व्यू से संबंधित है, जैसे कि नेचुरल वर्ल्ड होता है, तो इन्होंने कहा कि जहाँ भी लॉज चलेंगे, जैसे कि गुरुत्वाकर्षण का नियम चलता है, वैसे ही सोशल लॉज, सोशल वर्ल्ड में भी लॉज होंगे और आप केयरफुल स्टडी और ऑब्जर्वेशन से इसका अध्ययन कर सकते हैं. द पॉजिटिविस्ट स्कॉलर बिगिंस विद अ सेट ऑफ हाइपोथेसिस, कंडक्ट्स कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट्स दैट प्रोड्यूस अ स्टैटिस्टिकल रिजल्ट एंड देन डिटरमाइंस वेदर और नॉट द रिजल्ट्स सपोर्ट द वेरियस हाइपोथेसिस. यहाँ एक एस और होना चाहिए था. तो जो पॉजिटिविस्ट स्कॉलर होता है वो शुरुआत कहाँ से करेगा, परिकल्पनाओं से उसकी शुरुआत होती है, फिर वो नियंत्रित दशाओं में प्रयोग करता है, फिर वो कुछ परिणाम निकालता है, जो सांख्यिकी मतलब स्टैटिस्टिकल रिजल्ट, सांख्यिकी के सिद्धांतों का इस्तेमाल करके कुछ परिणाम निकालता है, और फिर वो ये सुनिश्चित करता है कि जो इसका रिजल्ट आया है वो उसकी परिकल्पनाओं को का समर्थन कर रहा है कि नहीं. इन अदर वर्ड्स द पॉजिटिविस्ट बिलीव्स इन द ट्रेडिशनल साइंटिफिक मेथड. दूसरे शब्दों में जो पॉजिटिविस्ट रिसर्चर होता है वो एक नेचुरल ट्रेडिशनल साइंटिफिक मेथड में विश्वास करता है. ठीक, जैसे साइंस वैसे ही सोशल साइंस, ऐसी बात ऑगस्ट कॉम्टे ने कही. फिर और क्या कह रहा है पॉजिटिविज्म? पॉजिटिविस्ट स्टडी फिनोमेना थ्रू स्टैटिक एम्पिरिकल मींस. ये कह रहे हैं कि हम सब कुछ एक्सपीरियंस से, ऑब्जर्वेशन से, देख के, महसूस करके जानेंगे. ब्रायमन एंड बेल ने कहा, मेंटेन दैट पॉजिटिविस्ट्स यूज नेचुरल साइंस मेथड्स टू स्टडी सोशल रियलिटी एंड डू नॉट रिगार्ड द टू डिसिप्लिन एज सेपरेट एंटिटीज. ब्रायमन एंड बेल कहते हैं कि जो पॉजिटिविस्ट है वो ये मानते हैं कि हम नेचुरल साइंस मेथड का ही इस्तेमाल सोशल रियलिटी का अध्ययन करने में भी करेंगे, और वो ये भी मानते हैं कि इन दोनों डिसिप्लिन्स में कोई अंतर नहीं है, उनको अलग ही नहीं मानते हैं. पॉजिटिविस्ट टेक अ नैरो पर्सपेक्टिव ऑफ फिनोमेना एंड बिलीव दैट देयर इज ओनली वन ट्रू वर्जन ऑफ एन इवेंट. वो देखिए क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि हम कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट में रिजल्ट निकालेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे और रिजल्ट निकाल देंगे. तो इसके कहने का मतलब कि ट्रूथ एक ही है और एक ही तरीके से जाना जा सकता है. इसका मतलब ये घटना का एक नैरो पर्सपेक्टिव लेते हैं, ये मानते हैं कि हर घटना का सिर्फ एक सत्य वर्जन होता है और वो एक ही तरीके से निकाला जाएगा. पॉजिटिविस्ट assert that equivalent laws can be revealed about the social world. वो कह रहे हैं कि जैसे नेचुरल वर्ल्ड में लॉज चलते हैं, वैसे ही आप सोशल वर्ल्ड के भी लॉज बना सकते हैं. दे डू नॉट कंसिडर दैट पीपल मे हैव डिफरेंट perceptions ऑफ इवेंट्स where there is truth in each viewpoint. वो ये बात को मानते ही नहीं है, स्वीकार ही नहीं करते हैं कि लोगों के एक ही घटना के विभिन्न perception हो सकते हैं और हर कोई अपने perception में सही हो सकता है. This narrow point of view makes positivists unable to come up with solutions to social problems. Since they lack understanding of the causes of phenomena, they are unable to intervene. इसीलिए चूंकि वो एक narrow perspective लेके चलते हैं, इसलिए वो social problems के solutions निकालने में अपने आप को अयोग्य पाते हैं. क्यों? क्योंकि उनके पास वो understanding lack करते हैं, जहाँ पे कि आप phenomena को different angle से study कर सकते हैं. अब आता है post-positivism. Post-positivism is the name D.C. Phillips gave to a group of critiques and amendments that apply to both forms of positivism. जो मतलब पॉजिटिविज्म में कमी आने लगी ना, वो अनेबल है, वो पर्सपेक्टिव को नहीं अध्ययन कर पा रहा है, वो दूसरा वर्जन देख ही नहीं रहा है, तो उसके एक तरीके से आप कह सकते हैं अमेंडमेंट के रूप में पोस्ट पॉजिटिविज्म आया और डीसी फिलिप्स ने ये नाम दिया. इट इमर्ज इन द 1960s एंड 70s एज ए क्रिटिकल फिलोसफी डिजाइन टू मॉडिफाई और रिप्लेस पॉजिटिविज्म. यानी कि पॉजिटिविज्म में कुछ उसको या तो बदलने के लिए या उसमें सुधार करने के लिए ये एक क्रिटिकल फिलोसफी इमर्ज होती है 1960 और 70 के दशक में. वन ऑफ द फर्स्ट थिंकर्स टू क्रिटिसाइज लॉजिकल पॉजिटिविज्म या पॉजिटिविज्म वाज कॉल्ड कार्ल पॉपर. कार्ल पॉपर जो थे वो उन पहले चिंतकों में से थे जिन्होंने लॉजिकल पॉजिटिविज्म का विरोध किया. हु एडवांस्ड फॉल्सिफिकेशन इन लियू ऑफ द लॉजिकल पॉजिटिविज्म आइडिया ऑफ वेरिफिकेशनिज्म. वो कह रहे हैं कि पॉजिटिविज्म क्या कह रहा था कि हम सिर्फ एक तरीके से वेरीफाई कर सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि एक उन्होंने नया तरीका निकाला फॉल्सिफिकेशन. वो कह रहे हैं he put forth the theory of potential falsifiability as the criteria for demarcating science from non-science. वो कह रहे हैं science और non-science को अलग करने के लिए उन्होंने falsifiability की theory निकाली. वो कह रहे हैं कि जो चल रहा है उसके विरोध में आप एक बात कीजिए और उस विरोध में जो आप बात कर रहे हैं अगर आप उसको गलत सिद्ध कर दीजिए तो जो चल रहा है उसको आप सही मान लेंगे. मतलब सीधे सीधे सही मत मानिए, ये कहा इन्होंने.
So this research has used that social reality is miserable and knowable, albeit difficult to access. यानी कि ये जो philosophy है, ये post-positivism है, वो positivism से थोड़ा liberal होती है. ये कहती है कि हाँ, social reality है, आप उसको नाप सकते हैं, उसको जान सकते हैं, लेकिन उसको assess करना, access करना मुश्किल है. वो positivism की तरह ये नहीं मान रहे हैं कि एक ही सत्य है और बिल्कुल एक ही तरीके से निकाला जाएगा. वो बोल रहे हैं बिल्कुल आप निकाल सकते हैं, लेकिन फिर भी social reality का अध्ययन करना मुश्किल है. इन्होंने ये माना कि रियलिटी इज रिगार्डेड एज मल्टीपल, यानी कि जो सत्य है, जो यथार्थ है, वो मल्टीपल हो सकता है, बहुत तरीके का हो सकता है, सब्जेक्टिव और मेंटली कंस्ट्रक्टेड होता है, ये मान रहे हैं. इट इज बेस्ड ऑन द क्रिटिकल रियलिस्ट ऑन्टोलॉजी. क्योंकि रियलिस्ट क्या कहते हैं कि जो आप एक्सपीरियंस करेंगे वही सही है. फिलिप एंड बर्बल्स आर्ग्यू दैट पोस्ट पॉजिटिविज्म इज ए प्लूरलिस्टिक एंड क्रिटिकली मल्टीप्लिस्टिक रिसर्च पैराडाइम दैट अलाउज टू कंडक्ट सोशियो एजुकेशनल रिसर्च साइंटिफिकली. मतलब ये थोड़ा सा, मतलब पॉजिटिविज्म से आप थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हुए, थोड़ा सा लिबरल हुए. अभी भी आप मान रहे हैं कि सोशल रियलिटी को मेजरेबल और आप जान सकते हैं, नाप सकते हैं, लेकिन वो ये मान रहे हैं कि आप पूरी तरीके से नहीं नाप सकते. थोड़ी दिक्कत है, थोड़ी दिक्कत है, क्योंकि सब्जेक्टिविटी को ये स्कोप दे रहे हैं, ट्रूथ को मल्टीपल समझ रहे हैं, जिसको पॉजिटिविज्म बिल्कुल सब्जेक्टिविटी को स्कोप नहीं देता है. तो यहाँ पे हम थोड़े से फ्लेक्सिबल होते हैं और यहाँ पे क्वालिटेटिव डेटा की भी एंट्री आ रही है. ओके, और क्या है पोस्ट पॉजिटिविज्म? पोस्ट पॉजिटिविस्ट्स आर्ग्यू दैट वन कैन नेवर बी सर्टेन दैट दी थ्योरी इज ट्रू. क्योंकि आप ये मान रहे हैं कि सोशल रियलिटी को नापना मुश्किल है, वहां तक पहुंच आपकी मुश्किल है, इसलिए आप ये मान रहे हैं कि जो थ्योरी है वो, मतलब आप कैन नेवर बी सर्टेन, आप बिल्कुल 100% श्योर नहीं हो सकते कि आपने जो निकाला है वो सही है. ओनली दैट इट हैज़ नॉट येट बीन प्रूवन फॉल्स, जब तक कि आप जो उसके विरोध की बात है उसको गलत साबित ना कर दें. इट रिजेक्ट्स द पॉजिटिविस्ट अप्रोच दैट ए रिसर्चर कैन ऑब्जर्व द सोशल वर्ल्ड इंडिपेंडेंटली. और ये इस नोशन को भी का भी विरोध करते हैं जो पॉजिटिविस्ट अप्रोच है, जो ये मानता है कि आप सामाजिक संसार का स्वतंत्र रूप से अध्ययन कर सकते हैं. पोस्ट पॉजिटिविस्ट आर्ग्यू दैट ए रिसर्चर्स आइडियाज एंड इवन द पर्टिकुलर आइडेंटिटी इन्फ्लुएंस वॉट दे ऑब्जर्व एंड देयर फॉर इम्पैक्ट वॉट दे कंक्लूड. जबकि पॉजिटिविस्ट ये मान रहे थे कि जो रिसर्चर है वो बिल्कुल ऑब्जेक्टिव रहे, उसका बिल्कुल भी इंपैक्ट रिसर्च पर नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन पोस्ट पॉजिटिविस्ट थोड़ा सा ये मानते हैं, इस बात को स्वीकार करते हैं कि जो रिसर्चर है, जो अनुसंधान करता है, उसके विचार, उसकी आइडेंटिटी, और वो जब ऑब्जर्व कर रहा है तो वो इन्फ्लुएंस करेगा रिसर्च को और उसके आउटकम को. Scholars using a post-positivist paradigm try their best to work as detached and objective researchers. इसके बावजूद चूंकि ये still positivist paradigm है, इसलिए ये अपनी कोशिश करते हैं कि वो objective रहें research करने के समय, detached रहें, लेकिन वो ये मानते हैं कि पूरी तरह detachment impossible है. However, unlike positivists, post-positivists believe that an objective reality can never be fully achieved. यानी कि ये मान रहे हैं कि एक objective reality को आप कभी भी achieve नहीं कर सकते, because human intellectual mechanisms are flawed. Flawed मतलब उसमें flaw है, उसमें दिक्कत है, उसमें त्रुटि है, इसलिए आप पूरी तरीके से objective या detached होकर research नहीं कर सकते हैं. फिर पोस्ट पॉजिटिविज्म कह रहा है कि पोस्ट पॉजिटिविस्ट seems somewhat less sure. इसलिए ये क्लासिकल पॉजिटिविस्ट से थोड़ा सा लेस सर्टेन है, लेस श्योर है दैट देयर इज अ सिंगल शेयर्ड रियलिटी. ये कह रहे नहीं, रियलिटी सिंगल शेयर नहीं हो सकती, मल्टीपल उसको होती है, मेंटली कंस्ट्रक्टेड होती है. एट सच पोस्ट पॉजिटिविस्ट हैव मूव्ड अ लिटिल इन द डायरेक्शन ऑफ द नेचुरलिस्ट टू आर्ग्यू दैट द टोटल न्यूट्रलिटी ऑफ द रिसर्चर इज एंड मस्ट बी इम्पॉसिबल इन द रिसर्च. तो जो पोस्ट पॉजिटिविस्ट है वो थोड़ा सा न्यूट्रलिस्ट की दिशा में मूव कर रहा है और ये मान रहा है कि जो रिसर्चर है वो पूरी तरीके से न्यूट्रल तो रह ही नहीं सकता, ये असंभव है. While positivism focuses on the objectivity of the research process, post-positivism has room for subjectivity as well. जबकि पॉजिटिविस्ट जो हैं वो पूरी तरीके से न्यूट्रल होने को, पूरी तरीके से डिटैच होने को, पूरी तरह से ऑब्जेक्टिव है ना, वस्तुनिष्ठ होने को मानते हैं, पोस्ट पॉजिटिविज्म थोड़ा अपने आप में ये रूम देता है, स्पेस देता है कि सब्जेक्टिविटी को स्पेस थोड़ा बहुत देना चाहिए, या आप कहें कि आएगी ही आएगी. Therefore, it uses both quantitative and qualitative methods. इसीलिए post-positivist थोड़ा सा qualitative method को भी entry देते हैं. Post-positivism retains the idea that truth should be considered objective. लेकिन चूंकि ये positivist का ही एक, आप कह सकते हैं, फैलाव है, extension है, इसलिए आखिरी तक ये मान रहे हैं कि truth objective तरीके से consider करना चाहिए. But asserts that our experience of such truths is necessarily imperfect because they are ameliorated by our values and experiences. लेकिन वो कह रहे हैं, लेकिन आप उस सत्य का अनुभव पूरी तरीके से शत प्रतिशत सही नहीं कर पाएंगे, आप कहीं ना कहीं उसमें त्रुटि करेंगे, कहीं ना कहीं उसमें गलती करेंगे, क्योंकि हमारा मूल्य, हमारे अनुभव बीच में आड़े आएंगे.
a popular form of post-positivism is critical realism which lies between positivism and interpretivism. तो आप कह सकते हैं कि post-positivism की दशा क्या है? वो positivism और interpretivism के बीच में स्थित है और critical realism की तरह से react करता है. अब आगे इंटरप्रेटिविज्म में, तो जो नेचुरलिस्ट पैराडाइम है, जो नेचुरलिस्टिक इंक्वायरी में चलता है, जो क्वालिटेटिव रिसर्च को गवर्न करता है, वो किस पे एम्फेसाइज करता है, किस पे अपना पुख्ता करता है, मोहर लगाता है? इंपॉर्टेंस ऑफ कंटेक्स्ट, किस दशा में बात हो रही, लोकल कंटेक्स्ट जरूरी है. वो ये मानता है कि कॉम्प्लेक्सिटी है रियालिटी में, वो मानता है कि एग्जामिनिंग सिचुएशन और बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो आपस में इंटरैक्ट करते हैं. विद इन द नेचुरलिस्ट पैराडाइम वन स्कूल इंटरप्रेटिव कंस्ट्रक्शन argues that the core of understanding is learning what people make of the world around them, how people interpret when what they encounter and how they assign meanings and values to events or objects. देखिए interpretivism का नाम ज़्यादा चलता है, लेकिन ये है naturalist paradigm के अंतर्गत ही, और naturalist paradigm में interpretivism, constructionism ये सारे शब्द चलते हैं, more or less सब एक ही हैं, but naturalist umbrella term है और उसके अंतर्गत सब आ रहे हैं. तो जो इंटरप्रेटिविज्म है वो तो बिल्कुल पॉजिटिविज्म से ऑपोजिट है, इसीलिए इसको कभी कभी एंटी पॉजिटिविज्म भी कहा जाता है. टेक्स थिंग्स बाय आर्ग्यूइंग दैट ऑब्जेक्टिविटी इज इम्पॉसिबल, ये कह रहे हैं ऑब्जेक्टिविटी तो हो ही नहीं सकती है, असंभव है. एज एन अप्रोच दैट लीव्स रिसर्चर्स टू फोकस ऑन गेनिंग सब्जेक्टिव नॉलेज, इसीलिए जो क्वालिटेटिव रिसर्चर है वो व्यक्तिनिष्ठ ज्ञान की तरफ काम करता है. थ्रू अप्रोचेस वेयर इंडिविजुअल्स और स्मॉलर ग्रुप्स आर एनालाइज्ड इन डेप्थ थ्रू डिटेल्ड ऑब्जर्वेशंस एंड डिस्कशंस, इसीलिए लोगों से समूहों में इन डिटेल इन डेप्थ में बात की जाती है, एनालिसिस किया जाता है, आप उसका प्रेक्षण करते हैं, डिस्कशन करते हैं. और इंटरप्रेटिविस्ट स्कॉलर्स बिलीव मल्टीपल reality, multiple equally valid realities are discoverable through academic inquiry. और मरियम ने कहा कि मेरियम ने कहा टू सिमिलर एक्ट्स कैन हैव वेरी डिफरेंट मीनिंग्स डिपेंडिंग ऑन देयर कंटेक्स्ट, कंटेक्स्ट इंपॉर्टेंट है. ये कलेक्शन ऑफ क्वालिटेटिव डेटा पे जाते हैं, अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज की बात करते हैं, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं, और ये रियलाइज करते हैं कि दैट दे विल बोथ इन्फ्लुएंस एंड बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द रिसर्च एक्टिविटी. मतलब जो रिसर्चर है वो रिसर्च एक्टिविटी को इन्फ्लुएंस करता है और रिसर्च एक्टिविटी से इन्फ्लुएंस होता भी है, और तब वो दोनों आपस में एक दूसरे पर डिपेंडेंट रहते हैं और इस तरीके से रिसर्च इमर्ज होती है. इंटरप्रेटिविस्ट्स बिलीव दैट इट इज इंपॉर्टेंट फॉर गुड रिसर्च दैट दे एनालाइज हाउ ह्यूमंस इंटरप्रेट एक्टिविटीज एंड दैट दिस कैन बी अचीव थ्रू मेथड्स ओल्डर अदर देन दोज एम्प्लॉयड बाय द पॉजिटिविस्ट अप्रोच, ये वेबर ने कहा 2004. तो आई थिंक इट इज क्लियर नाउ. तो अगर हम कंपेरेटिव एनालिसिस करें नेचर ऑफ रियलिटी का, तो पॉजिटिविस्ट क्या मानते हैं? पॉजिटिविस्ट मानते हैं देयर इज अ सिंगल यूनिफॉर्म रियलिटी दैट रिसर्चर्स अटेम्प्ट टू मेजर इन अ प्रिसाइज ऑब्जेक्टिव एंड न्यूट्रल मैनर. जबकि पोस्ट पॉजिटिविस्ट मानते हैं कि देयर मे नॉट बी अ सिंगल और एक्सटर्नल ट्रूथ. और इंटरप्रेटिव कंस्ट्रक्शनिस्ट मानते हैं कि मीनिंग्स एंड अंडरस्टैंडिंग्स आर प्लूरल, इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स सी एंड इंटरप्रेट रियलिटी थ्रू देयर ओन लेंसेज और अंडरस्टैंडिंग सब्जेक्टिव होती है. यानी पॉजिटिविस्ट मान रहे हैं कि एक रियलिटी है, पोस्ट पॉजिटिविस्ट मान रहे हैं कि एक सिंगल एक्सटर्नल ट्रूथ नहीं भी हो सकता है, और इंटरप्रेटिव कंस्ट्रक्शनिस्ट मान रहे हैं कि वो कभी सिंगल एक्सटर्नल ट्रूथ नहीं होगा, हमेशा ही मल्टीपल होगा. उसी तरह से टाइप्स ऑफ नॉलेज में पॉजिटिविस्ट मान रहे हैं कि लुकिंग फॉर जनरल टेंडेंसीज ऑफ एन इग्नोर्स द पर्टिकुलर, ये इनका गोल क्या है, थ्योरी निकालना है, यूनिवर्सल होनी चाहिए इम्प्लीकेशन में, जनरलाइजेशन की बात करेंगे. पोस्ट पॉजिटिविस्ट कहेंगे सिंस वन कैन नॉट प्रूव दैट अ थ्योरी इज ट्रू, पोस्ट पॉजिटिविस्ट आर मोर टेंटेटिव इन देयर कंक्लूजन एंड क्लासिकल पॉजिटिविस्ट, यानी कि ये थोड़े से टेंटेटिव होंगे कि मे बी चेंज, या ये मान के चलेंगे कि पूरी तरह से सही नहीं है. जबकि इंटरप्रेटिव कंस्ट्रक्शनिस्ट कहेंगे इनका गोल क्या है, टू डिस्क्राइब पर्टिकुलर इवेंट्स, जो विशिष्ट घटनाएं हैं उनका वर्णन करना, उसको कल्चर के परस्पेक्टिव से देखना, पार्टिसिपेंट के पर्सपेक्टिव से देखना, ये मान के चलना कि रियलिटी के डिफरेंट वर्जन्स हैं, ट्रुथ बहुत तरीके का हो सकता है नॉट. और रोल ऑफ द रिसर्चर क्या है पॉजिटिविस्ट में, वो न्यूट्रल होगा. पोस्ट पॉजिटिविस्ट में वो ये मान के चलेगा कि हम एब्सोल्युटली न्यूट्रल नहीं हो सकते हैं, और इंटरप्रेटिव कंस्ट्रक्शनिस्ट में वो कहेगा कि यस वी कैनॉट बी न्यूट्रल एनी टाइम, और सब्जेक्टिविटी आपकी आएगी ही आएगी, जिसको कि रिफ्लेक्सिविटी कहा जाता है क्वालिटेटिव रिसर्च में. और कंक्लूजन इसका कि पॉजिटिविस्ट अज्यूम दैट रियलिटी इज फिक्स्ड, डायरेक्टली मेजरेबल एंड नोएबल, एंड दैट देयर इज जस्ट वन ट्रूथ, वन एक्सटर्नल रियलिटी. इन कंट्रास्ट नेचुरलिस्टिक रिसर्चर्स अज्यूम दैट रियलिटी कॉन्स्टेंटली चेंजेस एंड कैन बी नोन ओनली इनडायरेक्टली थ्रू द इंटरप्रिटेशंस ऑफ पीपल, दे एक्सेप्ट द पॉसिबिलिटी दैट देयर आर मल्टीपल वर्जन्स ऑफ रियलिटी.
Positivist claim, there is a single objective reality that can be observed and measured without bias using standardized instruments, and naturalists and in particular interpretive constructionists accept that there is a reality but argue that it cannot be measured directly, only perceived by people, each of whom views it through the lens of his or her prior experience, knowledge and expectations. Oh my god. So in this way, it is a continuum of positivism, then post-positivism, and now interpretivism. So I think this is become clearer to you all, and it will helpful for you to understand your research paradigm. Okay, so in this way, I have completed this very important topic to all of you. So thank you, and don't forget to like and subscribe my channel, Explore Education.